नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़। आपके साथ में हूं वैशाली वर्मा। बढ़ती विद्युत समस्या को लेकर ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। जनपद सीतापुर के तहसील सिधौली के ग्राम बाड़ी में पिछले 15 दिनों से विद्युत आपूर्ति की समस्या ग्रामवासी झेलने के बाद आखिर में समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर सिधौली उपखंड अधिकारी को लिखित शिकायत दी है, जिसमें बताया गया है कि ग्राम बाड़ी जो कि एक बहुल्य जनसंख्या वाला ग्राम है, करीब 20,000 से ऊपर वाले इस ग्राम के ग्रामीण वासी विद्युत आपूर्ति की समस्या से एक दशक से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का निस्तारण आज भी नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से विद्युत की आपूर्ति ठप पड़ी हुई है, लेकिन बिजली विभाग में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि जब बिजली विभाग का नंबर लगाया जाता है तो छोटे से छोटे काम के लिए पैसों की मांग की जाती है, और जब बड़े अधिकारी को इसकी सूचना दी जाती है तो उनका जवाब कई प्रकार का होता है। कभी कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर नहीं है, तो कभी कहा जाता है कि कुछ पैसे देने पड़ेंगे। बिजली की समस्या से तो ग्रामीण वासी एक दशक से ज्यादा झेल रहे हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले ग्राम की लाइन दूसरे ग्राम कुचलाई से होते हुए जाती है, जिससे कि हर घंटे कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती रहती है। ग्रामीणों की मांग की तो पिछली कई सालों से यही है कि उनकी लाइन अलग कर दी जाए, जिससे कि उनके ग्राम में विद्युत समस्या से छुटकारा मिले, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगती और ना ही वो इस समस्या को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण हाजी जली संसारी ग्राम प्रधान बाड़ी, राशिद खान जिला पंचायत सदस्य, मतुरान अहमद, सूफियान शेख, मोनू मतीन, शहनवाज कासिम अली, खलीक तौफिक, समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर उपखंड अधिकारी को भ्रष्ट विद्युत अधिकारियों के खिलाफ तथा विद्युत समस्या को जल्द ही निपटाने के लिए लिखित शिकायत दी है।